Hello everyone, welcome to Gate Academy. So next we have again from Power Electronics, it's a question number 24. What do we have? There is a, it is mentioned as a single phase semiconverter has a source current waveform as shown below, that is I naught value is how much? 20 ampere. This is what exactly I have got this question from the students. Okay? Mere paas kya hai? Ek source current ki waveform aapko kuch is tarike se aapko given hai. तो अगर सोर्स करंट की वेवफॉर्म कुछ ऐसी गिवन है, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर है, तो आपसे डायरेक्टली पूछा है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई करंट. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं किसकी, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर की, ठीक है, तो चाहे वो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे आपका एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, डजंट मैटर, आप उसके अगर वेवफॉर्म सोर्स करंट का आप बनाना चाहते हो तो कैसे आप बना सकते हो. मेरे पास क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज सिंगल फेज, मैं सिमेट्रिकल बना दे रहा हूं. ठीक है, आप एसिमेट्रिकल भी ट्राई कर सकते हो, देयर इज नो इशू. ठीक है, मेरे पास क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सिमेट्रिकल में क्या होता है, दिस वन इज हाउ मच T1, दिस वन इज व्हाट T2, दिस वन इज व्हाट D1 एंड दिस वन इज व्हाट D2. कुछ ऐसा कनेक्शन आपके पास अवेलेबल होता है. आप बताओ, दिस इज कनेक्टेड टू सम सप्लाई. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास सप्लाई, दिस इज VS, तो इसको मैंने कह दिया दिस इज VST और मैं इसको लिख दिया A टर्मिनल, दिस इज B टर्मिनल, तो मेरे पास नेक्स्ट क्या हो गया, एक लोड. ठीक है, कुछ ऐसा कनेक्शन आपने हमेशा देखा होगा वेन एवर यू विल स्टडी दैट सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेमी कन्वर्टर. अब बताओ मेरे को, अगर ऐसा है तो आप बताओ, अगर मैं इसकी वेव फॉर्म की बात करूं तो मेरे पास कैसी वेव फॉर्म आएगी, जरा देखो. ठीक है, मैं सबसे पहले क्या बना रहा हूं, मेरे पास क्या होगा, दिस इज पाई, दिस वन इज हाउ मच 2π. ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, दिस इज 0 to π, नेक्स्ट क्या, पाई से 2π, ये क्या हो गया आपकी सप्लाई वेव फॉर्म. अगर सप्लाई वेव फॉर्म आपके पास ऐसी मिल गई, तो मेरे पास सप्लाई वेव फॉर्म कुछ ऐसी मिल गई, आई एम गोइंग टू मेक इट बिट लार्जर. ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, दिस इज पाई, दिस वन इज हाउ मच 2π, इज इट करेक्ट. ठीक है, तो मेरे पास कुछ सप्लाई आपके पास कुछ ऐसी आपके पास मिल गई, इज इट करेक्ट. ये क्या हो गया आपके पास, VAB का मतलब क्या हो गया, A इज पॉजिटिव एंड B इज व्हाट, नेगेटिव, दैट मींस VAB. ठीक है, अगर मैं VBA की बात करूं तो इसका मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वन, दिस इज अपोजिट ऑफ दिस वन, दिस इज व्हाट VBA, तो मैंने क्या नाम दे दिया VBA, दिस वे फॉर्म VBA, दिस इज गो लाइक दिस वन एंड दिस वन गो लाइक दिस वन. ठीक है, अब बताओ, अब अगर मैं बात करूं, जो भी आप थायरिस्टर यूज कर रहे हो, थायरिस्टर की फायरिंग कैसी होगी आपके पास, दिस विल बी अल्फा, अल्फा पे आप फायरिंग करोगे तो दिस इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू अल्फा. नेक्स्ट बताओ पाई, नेक्स्ट फायरिंग कब होगी आपके पास, पाई प्लस अल्फा, ऐसे कुछ करते हो ना आप. ठीक है, दिस वन इज हाउ मच, पाई प्लस अल्फा. ठीक है, तो आप बताओ नेक्स्ट फायरिंग कब होगी आपके पास, 2π प्लस अल्फा, तो दिस वन इज हाउ मच, 2π प्लस अल्फा, इज इट करेक्ट. ठीक है, अब बताओ मेरे को, अगर मैं बात करूं किसकी, मैं कह रहा हूं कि I नॉट मेरी लोड करंट क्या है, कॉन्स्टेंट. अगर लोड करंट मेरी कॉन्स्टेंट है तो लोड करंट को मैंने क्या बना दिया, कॉन्स्टेंट, तो लोड करंट मैंने ऑलरेडी कह दिया दिस इज इक्वल टू हाउ मच, I नॉट कैपिटल I नॉट, दिस इज इक्वल टू I नॉट, दिस इज व्हाट सप्लाई. अब बताओ मुझको, अब मैं अगर आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा, व्हाट आई विल गेट. ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का अगर मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो. अगर मैं बात करूं अल्फा से लेके पाई के बीच में, कहां से कहां तक, अल्फा से लेके कहां तक, पाई के बीच में, तो आप जरा ध्यान से देखो, अल्फा से पाई के बीच में ध्यान से देखो, ए टर्मिनल इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, बी टर्मिनल इज नेगेटिव. अगर बी टर्मिनल नेगेटिव है तो बी टर्मिनल नेगेटिव, दिस इज बी, दिस इज ए. अगर दिस वन इज नेगेटिव तो डी वन तो तुरंत क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा आपके पास, फॉरवर्ड बायस. ठीक है, बट टी टू क्या ऑन करेगा, नहीं ऑन करेगा, क्यों, टी टू को फायरिंग कब मिल रही है आपके पास, पाई प्लस अल्फा पे. नेक्स्ट बताओ, इफ ए इज पॉजिटिव, ए अगर पॉजिटिव है, डी टू क्या हुआ, कैथोड पॉइंट आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव, इसका मतलब डी टू ऑन कर नहीं सकता. तो आपके पास टी वन क्या है, आपके पास फेवरेबल कंडीशन में, जैसे इसको फायरिंग आप प्रोवाइड करोगे तो कौन कौन कंडक्ट करेंगे, टी वन एंड डी वन, तो अल्फा से लेके पाई तक हुज कंडक्टिंग, टी वन एंड डी वन. तो जब जब टी वन एंड डी वन कंडक्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखो, ए टर्मिनल, ए टर्मिनल, ए टर्मिनल, ए टर्मिनल, दिस इज व्हाट ए टर्मिनल, डी वन कंडक्ट करेगा बी टर्मिनल, बी टर्मिनल, बी टर्मिनल, तो ये क्या आएगा, बी, तो वी ए बी क्या मिलेगा आपके पास, आउटपुट. ठीक है, तो आउटपुट मेरे पास क्या मिल गया, वी ए बी, तो वी ए बी मैंने ड्रॉ कर दिया अल्फा से पाई तक और नाम लिख दिया टी वन एंड व्हाट डी वन, करेक्ट. नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा के बीच, जरा देखते हैं पाई से लेके कहां तक, पाई प्लस अल्फा के बीच अगर हम बात करते हैं, सॉरी, this one is how much pi, position is this one, okay, this one is pi, okay, this is pi plus alpha, okay, this one is pi, this one is 2π, this one is how much 2π, okay. to mere paas kya hai, yahan se leke yahan tak mujhko kya mil gaya, vab. theek hai, ab batao mujhko, pi se leke pi plus alpha ke beech mein what is happening, a terminal is going to be negative, b terminal is going to be what, positive.
अगर ए टर्मिनल नेगेटिव होगा तो आप जरा ध्यान से बताओ डी टू तुरंत क्या करेगा, ऑन करेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो डी वन तुरंत क्या करेगा, ऑफ करेगा। क्या मेरा टी टू ऑन कर सकता है? नो, टी टू नहीं ऑन कर सकता, भले इसके एनोड पे पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऑन कब करेगा, पाई प्लस अल्फा पे ऑन करेगा। तो इसका मतलब जब तक इसको फायरिंग नहीं दोगे टी टू तो ऑन नहीं करेगा। मेरे पास कौन कौन डिवाइस ऑन कर सकते हैं, टी वन ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है, ये तुरंत ऑफ करेगा तो डी टू तुरंत ऑन करेगा। तो अब बताओ मुझको, अब जो कंडक्शन स्टेट में आएगा टी वन एंड डी टू कंडक्शन स्टेट में आएंगे, तो कौन कंडक्शन स्टेट में आएगा, टी वन एंड वॉट, डी टू। और बताओ जब जब ये दोनों कंडक्ट करेंगे, आप बताओ ए टर्मिनल 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 नेक्स्ट ए टर्मिनल ए टर्मिनल ए ए ए, ये भी क्या ए, तो वी ए ए वी ए ए का मतलब क्या हो गया, आपके पास वोल्टेज विल बी हाउ मच, जीरो। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास वोल्टेज क्या मिलेगा, आपके पास जीरो। बट क्या करंट मेरी जीरो हुई? नो, करंट इज नॉट जीरो, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, आई नॉट इज फ्लोइंग लाइक दिस वन, इज इट ओके। नेक्स्ट बताओ मुझको, पाई प्लस अल्फा से टू पाई के बीच में अगर हम बात करेंगे, फिर से वही केस है, ए इज नेगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव, बट नाउ दिस हैज बीन फायर्ड। अगर ये फायरिंग दे दी गई, ये ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है, तो टी टू एंड डी टू स्टार्ट करेंगे, टी वन तुरंत क्या कर जाएगा, ऑफ। तो मैं क्या कहूंगा, टी टू एंड डी टू विल कंडक्ट, अगर टी टू डी टू कंडक्ट करेंगे, जरा बताओ मुझको, बी टर्मिनल बी टर्मिनल बी टर्मिनल बी टर्मिनल, ये क्या मिलेगा, बी। नेक्स्ट बताओ ए टर्मिनल ए टर्मिनल ए टर्मिनल ए टर्मिनल ए, तो क्या मिलेगा, वी बी ए आपको आउटपुट मिलेगा, वी बी ए। जरा देख लो पाई प्लस अल्फा से टू पाई के बीच में आपके पास कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा वे फॉर्म, दिस इज वी बी ए, करेक्ट, ठीक है। सेम मैनर में और आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट बात करो, टू पाई से लेकर टू पाई प्लस अल्फा तक हुज कंडक्टिंग, क्या मेरा ये ऑन कर सकता, ए विल बिकम पॉजिटिव, B will become what? Negative now. अगर B आपका नेगेटिव हुआ तो D1 तुरंत क्या कर जाएगा, आपका ऑन कर जाएगा, क्या ऐसा होगा क्या? अगर मैं कहूं D1 मेरा ऑन कर जाएगा, बिल्कुल ऑन कर जाएगा, A पॉजिटिव हुआ D2 तुरंत क्या कर जाएगा, ऑफ कर जाएगा। क्या मेरा T1 कंडक्ट करेगा, नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि T1 को कंडक्शन कब स्टार्ट होगा, 2 पाई प्लस अल्फा, तो 2 पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट तो कर नहीं सकता। Who is already in conduction state T2, तो अब कौन कंडक्ट करेगा, T2 and what? D1, तो मैं क्या कहूंगा, T2 and what? D1, और जब जब ये दोनों कंडक्ट करेंगे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड जीरो, तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिल गया, जीरो, ठीक है। मैं हमेशा कितने साइकिल बात करता हूं, एक साइकिल, तो बताओ मुझको जीरो से लेकर अल्फा और टू पाई से लेकर टू पाई प्लस अल्फा, हाउ मच यू आर गेट, दिस इज ऑल्सो अल्फा, इफ इट इज टी टू डी वन, तो देन ऑल्सो दिस ऑल्सो बी हाउ मच, टी टू एंड डी वन। ये तो हो गई वोल्टेज आउटपुट वे फॉर्म। अब बताओ मुझको, अब अगर मैं करंट की बात करूं, किसकी, सोर्स करंट, तो मैंने कह दिया दिस इज व्हाट, आईएस, ठीक है। तो सोर्स करंट की बात करते हैं, दिस इज आईएस। चलो जरा ध्यान से देखते हैं, व्हेनेवर टी टू एंड डी वन इज कंडक्टिंग, जब जब टी टू एंड डी वन कंडक्ट कर रहे हैं, आप बताओ ये तो तुरंत शॉर्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब सोर्स में करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो। सारी करंट तो ये फ्लो करेगी ना, तो मेरे पास सोर्स करंट कितनी मिलेगी, जीरो। नेक्स्ट बताओ मुझको, अल्फा से लेके पाई तक हुज कंडक्टिंग, टी वन एंड डी वन, टी वन एंड डी वन अगर कंडक्ट करेंगे, जरा करंट के वेवफॉर्म ध्यान से देखो, आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट, D1 is conducting I not, next क्या, this one like this one, next क्या बताओ मुझको, like this one, next क्या आपके पास, like this one। तो source current जो हुई I not जैसी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, तो इसका मतलब alpha से लेके pi तक आपके पास source current कैसी दिखेगी, like this one, I not, ठीक है। next बताओ, pi से लेके pi plus alpha तक फिर से short मिल रहा है, अगर short मिलेगा तो obviously IS क्या मिलेगा आपके पास, zero, तो IS की value क्या मिलेगी, zero। तो next मैंने कह दिया pi, और ये point क्या कह दिया, pi plus alpha, ठीक है। next बताओ, पाई प्लस अल्फा से टू पाई हूज कंडक्टिंग, टी टू एंड डी टू, टी टू एंड डी टू अगर कंडक्ट करेंगे, चलो फिर से देखते हैं, टी टू कंडक्ट, आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट आई नॉट, डी टू इज कंडक्टिंग, डी टू डी टू डी टू, हियर विल गो लाइक दिस वन, तो आई एस क्या हो गया आपके पास, आई नॉट से जस्ट अपोजिट, तो आई नॉट से जस्ट अपोजिट मतलब कैसा हो गया आपके पास, लाइक दिस वन, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट बताओ, इतने ड्यूरेशन शॉर्ट सर्किट, फिर से फिर क्या मिलेगा आपके पास, जीरो, इज इट ओके। तो मेरे पास क्या मिल गया, ये पॉइंट हुआ अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, ये क्या हुआ टू पाई, ये क्या हुआ टू पाई प्लस अल्फा, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बता मुझको, अब अगर मैं कहूं कि मैं इसका फूरियर सीरीज लिखूं, तो फूरियर सीरीज मेरे क्या मिला था, आई एस एन टी इज इक्वल जो आ जाएगा समेशन ऑफ फोर इंटू पीक वैल्यू, पीक वैल्यू इज हाउ मच, आई नॉट डिवाइड बाई कितना, एन पाई इंटू कॉस एन अल्फा डिवाइड बाई टू इंटू साइन एन ओमेगा टी माइनस कितना एन अल्फा डिवाइड बाई टू। दिस इज द फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, दिस इंस्टेंट, दिस सोर्स करंट वेवफॉर्म, इट इज अ क्वासी स्क्वायर वेवफॉर्म, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, अगर ऐसा है तो जरा फंडामेंटल बात करते हैं, वो कैसा दिखाई देगा, दिस इज आई एस एन वन टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा फोर इंटू आई नॉट डिवाइड बाई कितना पाई एन की वैल्यू वन कॉस ऑफ अल्फा बाई टू इंटू साइन ऑफ कितना ओमेगा टी माइनस कितना अल्फा बाई टू।
इसका मतलब क्या हुआ, आग पास जो वोल्टेज है वो कैसा आग पास है, Vm sin ओमेगा टी, बट आग पास जो करंट है वो sin ओमेगा टी से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने एंगल से, माइनस अल्फा बाय टू। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो मिलेगा कहां से मिलेगा, दिस इज जीरो पोजिशन, दिस इज अल्फा, तो अल्फा बाय टू यही कोई पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं कहूंगा दिस इज हाउ मच अल्फा बाय टू। इज इट क्लियर नॉट, ठीक है। तो आप बताओ मेरी जो फूरियर सीरीज अगर आप ऐसा किए हो तो आप बताओ कैसे आपका चलेगा, दिस पॉइंट से आपका स्टार्ट करेगा, तो फंडामेंटल जो कंपोनेंट आएगा वो कैसा आएगा, जरा ध्यान से देखो, इट विल लुक लाइक दिस वन, इज इट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, इट विल लुक लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिल गया, जो फंडामेंटल कंपोनेंट होगा उसका जीरो क्रॉसिंग जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, अल्फा बाय टू से, इज इट ओके। तो इसका मतलब आग पास अगर थोड़ा एलोबरेटिव फॉर्म में इस वेव फॉर्म को बनाऊंगा तो मेरे पास कैसा मिलेगा, ये था, ये आग पास क्या था, कितना था अल्फा, नेक्स्ट क्या था पाई, नेक्स्ट मेरे पास क्या था पाई प्लस अल्फा, नेक्स्ट मेरे पास क्या था टू पाई, नेक्स्ट मेरे पास था टू पाई प्लस अल्फा। तो आग पास जो मिल गया अल्फा से पाई तक तो आपको पास करंट मिली, नेक्स्ट क्या जीरो, नेक्स्ट पाई प्लस अल्फा से टू पाई तक मिली, नेक्स्ट क्या जीरो, जो फंडामेंटल कंपोनेंट स्टार्ट होगा वो कितने पॉइंट्स आपके पास स्टार्ट होगा, अल्फा बाय टू से। तो ये करंट आपके पास कैसे मिलेगी, इट विल लुक लाइक दिस वन, इज इट ओके, इट विल लुक लाइक दिस वन, क्लियर, इट विल लुक लाइक दिस वन, इज इट ओके। तो आपके पास क्या मिल गया, फंडामेंटल करंट कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि ये ड्यूरेशन है अल्फा, तो ये ड्यूरेशन कितना होगा, अल्फा बाय टू। अब जरा जो क्वेश्चन जो मेरे पास डेटा अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग मैं केवल बात करने वाला हूं। इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट जो शो किया गया है वो कुछ इस तरीके से आपका शो किया गया, आप जस्ट इसको कंपेयर कर देखो। तो जीरो क्रॉसिंग हमेशा कितने स्टार्ट होती है, अल्फा बाय टू से। तो आप बताओ मुझको अगर अल्फा बाय टू से आपकी जीरो क्रॉसिंग स्टार्ट होती है, मैं क्या मान चलूंगा, मैं इतने ड्यूरेशन को क्या मानूंगा, यही तो आपके पास रिप्रेजेंट की गई ना वे फॉर्म। आप जरा ध्यान देखो यहां से लेके यहां तक की वेवफॉर्म जरा ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली वही वेवफॉर्म दिख रही जो आपके पास वहां बनी। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो आपके पास ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज इक्वल टू अल्फा बाय टू, इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। क्लियर हुई इतनी बात। तो मैंने कहा इट्स नॉट अल्फा, ठीक है, इट्स नॉट अल्फा, अल्फा विल बी हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरे पास जो अल्फा मिल गया कितना मिल गया, 30 डिग्री। अगर अल्फा बाय टू की वैल्यू 30 डिग्री, तो आप बताओ फंडामेंटल इसका मैं निकालूंगा तो फंडामेंटल इज इक्वल टू होता पीक वैल्यू डिवाइड बाय कितना, रूट टू। तो पीक वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल, ध्यान से देखो, 4 इंटू आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू है 20 डिवाइड बाय कितना पाई इंटू कॉस, अल्फा बाय टू की वैल्यू कितनी गिवन आपके पास, 30 डिग्री। तो मैं कितना यूज करूंगा, 30 डिग्री। इट्स नॉट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 30 डिग्री, आपके पास कितना होगा, अल्फा बाय टू इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू, नेक्स्ट बताओ दिस इज द पीक वैल्यू, नेक्स्ट बताओ रूट टू, उसमें क्या कर दूं इसको, 1 बाय रूट टू अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो कहलाएगी आई एस आर 1 की वैल्यू, सोर्स करंट की फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू। अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 80 डिवाइड बाय पाई कॉस 30 इंटू 1 बाय रूट टू, यू कैन कैलकुलेट दिस वन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 15.59 क्या एम्पियर, कितने आ जाएगी 15.59 एम्पियर या 15.6 अप्रोक्सीमेटली एम्पियर। तो दिस मस्ट बी द राइट आंसर, यू कैन नॉट ऑप्ट, आप इसको बिल्कुल भी अल्फा नहीं ले सकते, अल्फा आप इसलिए नहीं ले सकते, इट इज अ क्वासी स्क्वायर वेव फॉर्म। अगर क्वासी स्क्वायर वेव फॉर्म है, इट विल गेट अ शिफ्ट ऑफ व्हाट, अल्फा बाय टू। अगर अल्फा बाय टू का शिफ्ट है तो डेफिनेटली आपका फंडामेंटल जो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, द जीरो क्रॉसिंग विल बी एट अल्फा बाय टू। इसका मतलब ये ड्यूरेशन आपको गिवन है, अगर ऐसी वेव फॉर्म आपको रियल एग्जाम में गिवन है तो डेफिनेटली दैट मस्ट बी टेकन एज व्हाट, अल्फा बाय टू इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री, इट्स नॉट अल्फा, इज इट ओके। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन नॉट बी टेकन एज अल्फा, ठीक है। अगर ये चीज कुछ ऐसी गिवन होती है आपके पास, कैसे स्टार्ट होती है आपके पास, अगर इसको आप अल्फा ही लेना चाह रहे थे तो मैं कहता कि ये जो पॉइंट आपका आना चाहिए था कैसा आना चाहिए था, कुछ वैसा आपको दिखाई देना चाहिए था। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा अगर बना होता लाइक दिस वन और ये लिखा होता 30 डिग्री, तब आप क्या कहते, इट इज वॉट, इट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट इन दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस जो यहाँ पे गिवन है, मैं उसके अकॉर्डिंग सारी बातें कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज कॉल्ड टू मच 15.59 एम्पियर, इज इट करेक्ट। और नेक्स्ट आपके पास और भी कोई क्वेरीज हो तो यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। डेफिनेटली वी विल सॉर्ट आउट द सोल्यूशन फॉर ऑल द गेट 2018 प्रॉब्लम्स इन EEE EC department. So keep posting the problems and definitely we will upload all the videos related to what gate 18 EEE
ईसी प्रॉब्लम्स. सो कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच.